कुंडी साहब, ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन के मुतालबे को ज़रा तवाना बनाने के लिए आप और दीगर जमातें, बिलखसूस PTI जो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रही है, कहीं आप लोग मामलात को सेटल कर सकते हैं, बात आगे बढ़ा सकते हैं आपस में कि जद्दोजहद मिल के की जाए? देखिए, इस वक्त तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ये फैसला करेगी। इलेक्शन जो डिलिमिटेशन का इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दी है, इलेक्शन की तारीख भी शायद सुनने में आ रही है, दे रहे हैं। अच्छा। आपके शहर में इंशाल्लाह हम CC मीटिंग बुलाने जा रहे हैं बहुत जल्द, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि हमने नवीन इलेक्शन के लिए क्या करना है, कौन सी जमात के साथ जो है वो डायलॉग्स करने हैं। देखिए, सियासी जमातों के साथ पीपल्स पार्टी का पहले भी डायलॉग चलते रहे हैं, हम रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। जो PTI ने अपने पाँव पे कलाड़ा, देखिए हमने भी, आपको याद होगा कि कोई सियासी जमात डायलॉग्स नहीं चाहती थी और पीपल्स पार्टी अपनी इतिहादी जमातों में खड़े होकर हमने कहा कि हम डायलॉग्स करेंगे। हमने उस वक्त PTI के साथ भी डायलॉग्स किए, फिर PTI ने 9 मई का वाक्य किया। ठीक है, PTI के चेयरमैन हैं, PTI के अहदेदार हैं, PTI के वर्कर हैं, अगर वो 9 मई में मुलविस हैं उनको अपनी सजा दें, लेकिन पूरी जमात तो नहीं है ना, पूरी जमात उसमें अच्छे लोग, हर जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो वो अगर पॉलिटिकल, अगर जो भी पार्टी इसको इलेक्शन में मौका मिला इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन लड़ेंगी तो उसके साथ पीपल्स पार्टी तो के दरवाजे तो हमेशा डायलॉग्स के लिए खुले रहते हैं। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तजिए लेकर आता है।